वो बैठिए ना, आप भी बैठ जाइए ना, क्या कर रहे बैठिए, क्यों इंतजार कर रहे थे हमारा इतना? मैडम ये इसके मुंह में छाले हो रहे हैं, आप कोई सी दवाई हो रहे हैं, आप कोई दवाई जान मतलब दे दो, और हम दवाई करा करा के बहुत परेशान हैं। इनने अंग्रेजी दवाई बहुत सारी खा ली, अस्पतालों में फायदा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, नहीं आप बैठ बैठ जाइए, पेट में जलन मच रही, गले में जलन मच रही, और बाथरूम भी पीली जा रहा है, बिल्कुल फायदा नहीं लग रहा, दवाई खाते रहे जब भी फायदा नहीं लगती। कितने दिन से खा रही है दवाई? हमें करीब 20-25 दिन भर जा रहा है। 20-25 दिन से आपके छाले हैं, तो उससे कोई फायदे नहीं हुआ? नहीं हुआ। आप ये देखिए, ये सारी जो परेशानी होती है ना, ये अंग्रेजी दवाओं से भी हो सकते हैं आपको। कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा दिन तक दवाएं खाने से या पेट की खराबी से भी छाले हो जाते हैं ना, तो इसके लिए आप ये खा के देखिए। ऐसा मत कहिए कि ये जो है जानवर खाते हैं या ये पुरानी पद्धतियाँ हैं जो कि ज़माने से चली आती हैं। इसे अपन आयुर्वेद के नाम से जानते हैं ना, है ना। अनीता जी का बगीचा रश्मि जी के घर से थोड़ा सा आगे है ना, सीधे हाथ पे, यहाँ से जाएंगे सीधे हाथ पे एक मंदिर है, मंदिर के पास उनका घर, मंदिर है ना वहाँ पे, मंदिर के पास उनका घर है ना, तो वहाँ से उनसे ले लीजिएगा चमेली के पत्ते, और दिन में 3-4 बार कम से कम 4-6 पत्ते खाइए, है ना। उससे जलन वलन तो नहीं? उससे कुछ जलन वलन नहीं होगी और आपका ये ठीक हो जाएगा। क्यों अम्मा जी, आपने उनका घर देखा अनीता दीदी का बोरसिया? क्या काम है? हमें वो मंदिर तो निकाले है लेकिन उनका घर नहीं मिला। कुछ काम तो था, दवाइयां चाहिए थी, काले की दवाइयां का, तो यही तो काम है, यही है, यही। अच्छा ये क्या है? और अच्छी बढ़े खड़ी दो बार निकल दो दवाई ये नहीं करे। दीदी आपका नाम अनीता है ना? हाँ, और आज कैसे आ गई तुम इधर? वो छाले की दवाई के लिए गए थे तो वो संभावना वारी मैडम है और वो सर हैं। अच्छा, उन्होंने बताया मुझे। तो भैया एक और एक दीदी आए थे, दीदी और भैया आपके बारे में, उनने बताया हमारे काज है, उधर जाओ के लब हाँ दवाई मिलेगी, डॉक्टर के पास जाते वो तो पैसे मांगते। अंग्रेजी दवाई तो हमने बहुत खा ली, उससे फायदा नहीं लगी, पत्ती से फायदा लग जाएगा। इससे तो लगेगा, पहले तो इसी की इलाज होता था, जड़ी बूटियों का इलाज होता था, अभी चल गई अंग्रेजी दवा, तो पहले तो इसी के सब बड़ी बड़ी बीमारी, पुरानी बीमारी चली जाती है इसी से। अब तो ये अंग्रेजी दवा से कितना नुकसान भी तो होता है, इसमें नुकसान भी नहीं होता। पत्ती से जलन वलन तो नहीं होगी? नहीं, पत्ती से जलन वलन नहीं। चलो देखते हैं आपकी पत्ती से फायदा लगती है या नहीं लगती है। तोड़ दे जी। कितने दिन खाना पड़ेगी? 3 दिन तो खा लो, 3 हाँ 3 टाइम खा लेना जी। पेड़ लगाया आपने जी, काय काय के हैं जी, भी सब दवाइयों में आते हैं क्या? हाँ, सब दवाई आपने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं, बहुत सारे पेड़ हैं जो जड़ी बूटियों में सब अपने मतलब देसी दवाइयों में काम आते हैं जी, पूरे दवाइयों में सब दवा हर चीज इसमें यूज की जाती है, तो जी नुकसान भी नहीं करती अंग्रेजी दवाइयों की तरह, जैसे अपन को कर। आपने कहाँ से लगाए थे पेड़? ये सब दे गई संभावना वाली, 2 साल हो गए पहले दे गई, सब अच्छे हो गए। हाँ तो उन्हीं ने लगाया था हमें, संभावना वाली मैडम ने, सर ने बताया था कि उनके यहाँ पेड़ हैं, उनके घर जाओ उधर मिल जाएगी छाले की दवाई। ठीक है, जिसको जरूरत पड़े कोई सी, जैसे कि बहुत सी चीजों की यहाँ मतलब अपने इधर जड़ी बूटी पेड़ लगी, सब दवाइयाँ दवाइयाँ करो, आस पास भी किसी को कुछ हो तो कोई बोल देना मुझे जाकर। और कहाँ गई थी? हाँ इधर से निकल के जा रहे थे, हमने कहा दीदी से पूछ ला कि मेरे छाले तो आपने पत्तियों से ठीक कर दिए। हो गए सही? हाँ सही हो गए, लेकिन विश्वास हो? हाँ, लेकिन हमारी सास का मुँह बहुत चलता है उनका। उनको क्या हो गया? उनका उसे उसी घुटने में दर्द हो रहा है, और ये टेणी में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द 1.5 साल से हो रहा, 2 साल हो रहे हैं, तो वो मालूम छाले भी होने लगे उनके मुंह में, गरम गोली खाते खाते अंग्रेजी, पेट में जलन मचने लगी, और उनको तो सांस भी उठती है बहुत ज्यादा। नहीं तो तुम उधर चली जाना, उधर झाड़ पेड़ अच्छे बड़े बड़े भी हैं, अभी अपने लगाए हैं पर छोटे छोटे हैं, वो इधर नहीं हैंगे, पर वो उड़िया बस्ती में है, उड़िया बस्ती है, तो वही उड़िया बस्ती चले जाना, वहाँ से ले आना अपनी सास का, उनको भी अच्छी हो जाएंगी ना, तो नहीं विश्वास हो जाएगा, धीरे धीरे प्रचार हो जाएगा, और क्या कि हाँ भाई जड़ी बूटियों में दम है कि नहीं। ठीक है, जा रहा दीदी। हाँ।
ओ दीदी, ओ मैडम, इधर आना जरा। क्या हुआ? वो बगीचा जाइए ना, उड़िया वास्ते का। हाँ, तो हमें दवाई, कुछ दवाई है बताए थे उधर पे। तो नैनीता दीदी ने और एक रश्मि दीदी ने, तो उधर पे इनके जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है। चलने के लिए अंग्रेजी दवाइयाँ खाती हैं तो उनको जलन होती है। जड़ी बूटी दवाई यहाँ से लेके जाके आप इलाज कर सकती है ना। जैसे ये नीलगुंडी है। अच्छा, ये नीलगुंडी और वो एरंडी का पत्ता है ना, उसको जैसे उबाल के दाल करने से जोड़ों का दर्द है ना, उसमें आराम मिलता है। देखो ये पत्ते हैंगे, लंबे लंबे पत्ते हैंगे जी। इसको और वो जो एरंडी के पत्ते को, इसको उबाल के ना, जैसे बर्तन रख लो नीचे और ऊपर से ढाल कर लो, बहुत गर्म पानी से नहीं, जरा कुनकुना गर्म पानी से, जैसे आराम मिलना चाहिए हमें। ये पत्ते देख लो, पहचान लो आप। क्यों, इधर तो बहुत सारे पेड़ लगे हैं, आप बता सकते हो काय के काम में आते हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ, कौन कौन सी? जितने भी पेड़ पौधे लगे ना, ये सब दवाइयों के काम में आते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, ये सब में काम आते हैं। ये किसका पेड़ है? ये अड़ूसा है। अच्छा, ये खांसी में, सर्दी में भी काम आता है। अच्छा, देखो ये पत्ते, ये अड़ूसा है, ये ना खांसी होता है या सर्दी होता है ना। अच्छा, तो इसको अपन छोटे बच्चे को पीस के पिला सकते, छान के। ये पत्ते तो ऐसे लग रहे जैसे बेसरम के, वो बेसरम नहीं होती ना? नहीं, तो बेसरम नहीं है ना, ये दवाई है। अच्छा, लो ये तुलसी के पत्ते, इसमें मिला लेना और इसको उबाल के पी लेना, खांसी और सर्दी में इसको फायदा हो। जैसे एक गिलास पानी में अपन उबालेंगे तो आधा गिलास पानी बच जाना चाहिए, जैसे कड़वे लगते आप पियोगे तो उसमें जरा सा शक्कर डाल देना, तो इतने कड़वे नहीं लगे। ये काय का पेड़ है? जायसन का है। अच्छा, ये ना जिसको खून की कमजोरी होती है ना, तो रोज सुबह खाली पेट इसके फूल ना खाने से ना खून की कमी में जैसा फर्क होता है। अच्छा, और खून भी बनता है। ये काय का पेड़ है? मेहंदी का। अच्छा, मेहंदी का है। ये काय काम में आता है? जो पीलिया हो ना, पीलिया, इसकी जड़े उसके इस्तेमाल में किया जाता है। ये तो सदा सुहागन जैसा पेड़ लग रहा है। हाँ, सदा सुहागन ही है। हाँ, तो इसकी भी दवाई बनती है? हाँ, इसकी भी दवाई बनती है। क्या होता है इसका? जिसको शुगर की बीमारी होती है ना। अच्छा, ये इसके फूल 5 सुबह खाने से आराम मिलता है। पीस के खाए जाते हैं? नहीं, इसको तोड़ के खा लो ना आप, ऐसे ही। ऐसे ही खाना? हाँ, ऐसे ही खा लो। ये नेमन क्रास है और इसको सर्दी जुकाम में चाय बना के पिए जाते हैं। ये घास सरा का, ये जैसे नींबू घास उससे बोलते हैं, आप इसको खुशी लेके आप। ये चिरायता का पेड़ है, ये बहुत, जो भी बुखार है, जो किसी टाइप का भी बुखार है, तो इसको ये हम 8 पत्ते लेते हैं एक गिलास पे। अच्छा, तो 8 पत्ते लेने के बाद उगालते हैं, अच्छे से उगालना चाहिए, जिसको आधा का आधा गिलास होना चाहिए उसको आधा गिलास पे दो टाइम कर पीते हैं। शतावरी है ये और ये भाईचारी के काम आती है। अच्छा, और बाकी का ये भाई साहब बता देंगे आपको। ये तो दादा बताएं, जो और भी ताकत के लिए भी होता है, जो कमजोरी हो जाते हैं ना, ये इसको पाउडर बना के पीस के दूध पे डाल के हम पीते हैं तो ताकत भी बढ़ता है। मुंगना की फली तो खाई होगी आपने, मैं इसके पत्ते आपने नहीं खाए होंगे, मैं इसके पत्ते ना सब्जी बना के खाने से ना खून खून होता है। और मिर्ची जैसे लहसुन प्याज जो भी है आप ना उसमें बना के बना सकते, धो के और खा सकते हैं। कड़वा तो नहीं लगता? नहीं, कड़वा नहीं लगता। जैसे इसको उबालना, उबालने के बाद इसका पानी है ना फेंक के इसको आप बना के और खाओगे ना, तो आपको कड़वा नहीं लगेगा।